असली गांव जाना है वहाँ। असली वो नकली गांव है क्या? लेकिन सासू जी दूसरी बार जा रही है नेपाल। गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय पीने का मजा ही कुछ और है। ओवरलोड हो रखा है ये। उन सभी बकरियों पे देखिए कपड़े पहनाए हुए हैं, गर्म कपड़े। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, तब तक हमने नेपाल में एंट्री भी कर ली होगी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। सुबह का टाइम है, मौसम काफ़ी सुहावना है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और इसी के साथ हमारी पूरी फैमिली की तैयारी हो गई है एक खूबसूरत से ट्रिप पे जाने की। हमारी ये ट्रिप इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है और हम जा रहे हैं उत्तराखंड से नेपाल की ओर। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या क्या चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो चलिए खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। तो हमने अपना सामान बिल्कुल पैक कर लिया है बड़े बड़े बैगों पे और सबके एक एक दो दो बैग हैं। हमारे इस ट्रिप पे आलोक भी हमारे साथ होने वाला है। क्या हो गया पहले दिन देखते हैं, ये तो ट्राइपॉड सेट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो कैसा रहेगा सफर? अच्छा रहेगा ना, देखते हैं क्या होता है। आ तो रखे हैं घर से। बिल्कुल बिल्कुल, और फर्स्ट टाइम होने वाला है ना ये, टाइम सभी का। बिल्कुल, और अभी तो इतने छोटे में नेपाल की यात्रा भी कर लेगा। बेटा कैसे लग रहा है? अरे यार मेरे को बेकार लग रहा। क्यों? मेरे को गांव जाना था। अरे वहाँ भी तो गांव वाला एरिया है। मेरे को असली गांव जाना है वहाँ। असली वो नकली गांव है क्या? अच्छा, और हजन जी की हो गई पूरी पैकिंग? बिल्कुल, सारे बैग तैयार कर दिए। चलो बढ़िया, सुबह से लगा होता तैयार होने पे। हाँ हाँ, बैग बुक तैयार करने पे। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ ट्रिप में सासू जी भी आने वाली हैं। सासू जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। अच्छा, मेरी आलोक अभी और हस्बैंड जी की ये ट्रिप तो फर्स्ट टाइम होने वाली है, लेकिन सासू जी दूसरी बार जा रही है नेपाल। दूसरी बार है ना। पहले कैसा लगा था? अच्छा लगा था। अच्छा लगा ना। हाँ, सासू जी ने पूरी भारत यात्रा करी, उसके साथ नेपाल भी गए थे पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो अब दोबारा जाएंगे, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम बाय एयर जा रहे हैं या बाय कार जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं बाय कार। हम अपनी एक्सयूवी 700 से पूरी नेपाल की यात्रा करने वाले हैं। एक्सयूवी 700 का होने का एक फ़ायदा है, इसमें डिक्की बड़ी है तो पूरा सामान अच्छे से आ जाता है। जब से हस्बैंड जी इस कार को लेके आए ना, तब से हम यात्रा पे ही जा रहे हैं। यात्रा पे जा रहे हैं, डेली फुल हो रहा है इसमें सामान। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए पूरे बैग ऐसे रख दिए हैं, मैनेज नहीं किया अच्छे से, तभी नहीं आए इसमें। नहीं नहीं, रख कर दिया मैंने, देखने। और सासू जी के हाथ पे सासू जी का पर्स है और दो पानी की बोतल है ना, अपनी व्यवस्था फिट कर रखी है। हाँ, गर्म पानी। चलो चलते हैं अब। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपके पीठ पे आपकी कॉपी किताब का बैग ऐसे ही रखोगे? बोलो श्री त्रियुगीनाथ भगवान की जय हो, बोलो केदारनाथ भगवान जी की जय। फर्स्ट टाइम इस ट्रिप पे निकल रहे हैं तो हमको गूगल मैप की ज़रूरत अवश्य पड़ने वाली है। और वैसे एंट्री के लिए एक उत्तर प्रदेश होके जाता है रास्ता और एक जाता है हमारे उत्तराखंड खटीमा होते हुए। तो हम खटीमा टनकपुर रास्ते से नेपाल बॉर्डर पे एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे बनवासा, क्योंकि बनवासा से होके हुए ही जाएंगे। ये देखिए जी, बनवासा बता रहा है 333 किलोमीटर, 6 घंटे और 41 मिनट का रास्ता है। तो हमारे इस सफ़र का पहला टोल प्लाजा भी हमको मिल चुका है लच्छीवाला देहरादून में ही। और आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। जिस रूट से हम जाने वाले हैं उस पे हम देखेंगे कि कितने टोल प्लाजा मिलते हैं, कहाँ पे रोड ख़राब देखने को मिलती है और कहाँ पे रोड अच्छी देखने को मिलती है। क्योंकि अगर उत्तराखंड से आप भी अगर नेपाल जाने की सोच रहे हैं बाय कार, तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे आपके साथ। लच्छीवाला फ्लाईओवर देहरादून का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है और आज यहाँ पे बहुत ही भयंकर जाम लगा हुआ है, शायद आगे किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा। तो फ्लाईओवर पे ऐसे नतीजे ओवर स्पीड और ओवरटेक करने से ही होते हैं। दोनों गाड़ियाँ अपनी जगह से बिल्कुल घूम रखी हैं। अच्छा हुआ उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, सब लोग सेफ हैं। थोड़ा बहुत छोटी मोटी खरोचे आ रखी हैं और एक गाड़ी के तो एयरबैग वगैरह सब खुल रखे हैं। दूसरी गाड़ी में तो शायद एयरबैग भी नहीं थे ना, उसमें वो पुरानी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है तो एयरबैग वाली गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है, है ना, सेफ्टी के लिए। अच्छा वो सब सेफ है। और ट्रिप की शुरुआत में ही हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, ये भगवान भगवान सबकी रक्षा करे। जैसे ही हम हरिद्वार में पहुंचे, वैसे ही नज़ारे उतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, आप भी करिए गंगा माँ के दर्शन।
आगे बढ़ते हुए हमने इस सफर का पहला स्टॉप ले लिया है। यहाँ पे हम रुके हैं लंच करने के लिए। बहुत ही सुंदर सा ये ढाबा बना हुआ है और अब चलते हैं पूरे फैमिली मेंबर अंदर लंच करने के लिए। चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है और जिससे यहाँ पे काफी ठंडा भी महसूस हो रहा है। लोग आग वगैरह सेक रहे हैं। अंदर गाड़ी में तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था ठंड का, अच्छी गर्मी बनी हुई थी गाड़ी के अंदर। देवू में ढाबा में टेस्टी लंच करने के बाद हमने लास्ट में मंगाई है कुल्लड़ वाली स्पेशल टी, तो अब गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं, है ना? बिल्कुल। ठंडा हो रहा है ना? आपने तो स्वेटर भी नहीं पहने, तभी आपको ज्यादा ठंडा लग रहा है। गाड़ी के अंदर तो लग नहीं रहा था ठंडा। हाँ बिल्कुल। हाँ, और हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप लिया और यहाँ पे जितने भी भाई लोग हैं सब हमारी वीडियोस देखते हैं, सब गढ़वाल से ही हैं। धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छा खाना था आपके होटल का। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सर्दियों के इस ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय पीने का मजा ही कुछ और है। इधर साइड बाहर इतनी धुंध है कि टाइम का पता भी नहीं चल रहा है कि ये दिन का टाइम है या शाम का है या सुबह का है, मतलब लगातार ऐसी धुंध बनी हुई है। और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ के लोग सर्वाइव कैसे करते होंगे, कपड़े वगैरह कैसे सुखाते होंगे। बाहर जा रहे ना जैसे ही इतना भयंकर ठंडा लग रहा है, क्या ही बताएं। और धूप का तो नामो निशान भी नहीं है, उससे बढ़िया तो हमारे पहाड़ हैं। दिन के टाइम पर तो बड़ी अच्छी सी धूप खिली रहती है, लोग तो मस्त मज़े से आजकल धूप सेकते सेकते खटाई का आनंद लेते हैं। सुबह शाम ठंडा होता है, लेकिन वो वाला ठंडा बेहतर है इस वाले ठंडे से। तो आगे इस ट्रैक्टर में बहुत ही भयंकर फुल गन्ना भरा हुआ है, ओवरलोड हो रखा है ये, और हम इसके पीछे से आराम आराम से चल रहे हैं क्योंकि ओवरटेक करने के लिए नहीं हो रहा है। ये पूरा इधर गांव का एरिया है, इधर साइड सिर्फ घोड़े खच्चर दिखाई दे रहे हैं। ये ओवरटेक करने मुश्किल होते हैं ना, बहुत टफ भाई, कहीं पलट जाएगा ना तो हो गया काम। बिल्कुल बिल्कुल, देखो कितना डेंजर लग रहा है, जैसे पूरा खेत का गन्ना इसी में भरा होगा। वो निकल भी रहा है गन्ना, देखो रास्ते में इसी से गन्ना छूटा होगा। हमारे देश के सभी किसानों के लिए सल्यूट है भाई, जिनके मेहनत से उगाए हुए अनाज को हम खाते हैं, वरना हमारे पहाड़ों में इतनी ज़्यादा खेती नहीं होती है। मतलब सारा जो अनाज वगैरह है वो बाहर से ही खरीदा जाता है। अभी हम उत्तर प्रदेश के एक ज़िले बिजनौर में हैं और अभी हमने जाना है उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में। रूट देखिए कुछ इस तरह से हैं, पहले हम उत्तराखंड में थे, फिर उत्तर प्रदेश में आए और फिर यहीं से रूट होते हुए आगे जाता है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम इस रूट से आई थी ना, तब मुझे ऐसा लगा था कि हम एक बार उत्तराखंड में, फिर उत्तर प्रदेश में, और फिर उत्तराखंड में आने के लिए उत्तर प्रदेश से होते हुए रास्ता है, कुछ इस तरह का है। सारी जगह हाईवे बने हुए हैं, रोडें एकदम अच्छी बनी हुई हैं, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे काम लगा हुआ है। चलिए जी, सफ़र का दूसरा टोल प्लाजा भी हमको मिल गया है। दिन भर धुंध लगने की वजह से शहरों में काफ़ी ठंडा हो रहा है। यहाँ एक बड़े से फील्ड में बकरियाँ चर रही हैं और उन सभी बकरियों पर देखिए कपड़े पहनाए हुए हैं, गर्म कपड़े, किसी पे स्वेटर, किसी पे ऐसे ही शॉल वगैरह ओढ़ा हुआ है। सफर का तीसरा टोल प्लाजा भी हमको मिल गया है। अगर शहरों में ऐसी धुंध नहीं लगी रहती तो सरसों के पीले पीले खेत और भी सुंदर दिखाई देते। इधर साइड सरसों काफी बड़ी हो रखी है, उन पे फूल भी खिल चुके हैं, जबकि हमारे गांव साइड अभी बिल्कुल सरसों इतनी छोटी सी है। जब बर्फ पड़ेगी उसके बाद ही वो सरसों बड़ी हो पाएगी। हमारे यहाँ भी सरसों अच्छा होता है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं होता है कि शहर का मुकाबला कर सके। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा और सफ़र का चौथा टोल प्लाजा भी हमको मिल गया है। सफ़र करने के लिए हमारी गाड़ी इतनी कंफर्टेबल है कि ना ही टाइम का पता चल रहा है और ना ही बोरियत आ रही है। बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी गाड़ी में बैठे होंगे। बोरियत आ रही है सिर्फ हस्बैंड जी को ड्राइविंग करने में, क्यों? हाँ, ये ज़्यादा कम्फर्ट हो गए ना, नींद आ रही है। अच्छा, चाय का मन कर रहा है, बहुत पहले से लगे हुए हैं, चाय पीना है, चाय पीना है। कहीं पर अच्छी सी दुकान मिल जाएगी, चाय की टपरी मिल जाएगी तो मस्त हो जाएगा। फिर बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया है और सफ़र का पांचवां टोल प्लाजा भी हमको मिल गया है। और आगे देखिए इस ट्रैक्टर में ना सिर्फ बीन्स और मटर जारी हैं। शाम के लगभग 7 बजे का टाइम हो गया है और अपने इस खूबसूरत सफ़र के पहले दिन की डेस्टिनेशन बनवासा में हम पहुंच गए हैं। आज का नाइट होल्ड हम यहीं बनवासा में करने वाले हैं और हमने रूम लिया है होटल रोहतेलाज में, तो सामान वगैरह अंदर लेके जाते हैं। मेरे हिस्से का बैग यहीं पे छूट रखा है। इस होटल में हमारा रूम कुछ इस तरह का है, काफ़ी बड़ा बड़ा रूम है। यहाँ पे सोफे वगैरह भी लगे हुए हैं बैठने के लिए, साथ में दीवारों पे बहुत ही सुंदर फोटो फ्रेम भी लगे हुए हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। उधर साइड भी है और एक इधर साइड भी है। आलोक तो मिरर पे देखने लग गया, क्या देख रहा है?
बढ़िया लग रहा हूँ। हाँ लग भी नहीं रहेगी, इतना लंबा सफर किया होगा। बिल्कुल है ना, बिल्कुल थकान नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं लग रही है। यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है और गाड़ी से हमने अपना पूरा सामान निकाल दिया है। इधर साइड टीवी वगैरह भी है देखने के लिए और इधर साइड है वॉशरूम, और वॉशरूम का जो दरवाजा है ना वो कुछ इस तरह का है, पूरा मिरर वाला। आलोक बोला ये लॉक नहीं हो रहा, बोला अंदर से इसमें लॉक करने का कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं होता है भाई, नहीं होता है, कुछ नहीं है भाई इसमें। अच्छा ऐसा दरवाजा तो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं भाई। अभी तो सफ़र में न जाने कितनी चीज़ नई नई देखने को मिलेंगी। बाकी आज का सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा, मुझे तो बिल्कुल भी थकान नहीं लगी। जबकि हमने देहरादून से 11:30 बजे के करीब अपना सफ़र शुरू किया था, यानी कि काफ़ी लेट से किया था, लेकिन हम सही टाइम पे यहाँ बनवासा पहुँच गए। और हमको ना कहीं की जल्दी भी नहीं हो रही है कि हमने आज वहाँ तक पहुँचना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कंफर्टेबल होके हम बनवासा में पहुंच गए हैं, और कल आपको देखने के लिए मिलेगा कि नेपाल बॉर्डर हम किस तरह से क्रॉस करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट वहां के लिए चाहिए होते हैं। ये सारी जानकारी हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी लोगों को देंगे। अभी तो कंबल के अंदर चला गया है और हमने यहाँ पे गर्मा गर्म चाय ऑर्डर करी हुई थी, तो अब चाय पी लेते हैं। नेपाल से भी बहुत सारे लोग हमारी वीडियोज़ देखते हैं, और अब देखना होगा कितने सब्सक्राइबर फैमिली मेम्बर से मिलना होता है इस पूरी ट्रिप में। और जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, तब तक हमने नेपाल में एंट्री भी कर ली होगी, तो बने रहिए नेपाल के इस खूबसूरत सफ़र में। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।